जींद से अमित शाह की रैली के अगले दिन ही बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने ऐलान किया है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से अलग हो जाएंगे और नई पार्टी बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को नालायक सरकार बताते हुए कहा कि सरकार शहादत में भी भेदभाव करती है। पीएनबी कांड के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके साथी मेहुल चौकसी पर अब शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। उसकी तलाश में भारतीय एजेंसियों ने इंटरपोल से मदद मांगी है। दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज हुआ है। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर सीरीज पर 5-1 से कब्जा कर लिया है। टीम इंडिया ने 205 रनों के लक्ष्य को 33 ओवर में हासिल कर लिया। इस मैच में कप्तान कोहली ने नाबाद 129 रन की पारी खेली।